हाय एवरीवन दिस इज विका आज हम बात करने वाले हैं कैल्प फॉरेस्ट की और क्लाइमेट चेंज के आ, होते हुए ये देखा जा रहा है कि कैल्प फॉरेस्ट के जो यूनिक ट्रेट्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सो so, कैल्प फॉरेस्ट क्या है क्या असर पड़ रहा है ये हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट एंड एककोलॉजी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल है वेरानेकांड्रस्कोर यू पी एस आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सो इसी इस तरह से डाउन टू अर्थ का यह आर्टिकल आया था कि क्लाइमेट चेंज से कैल्प फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा इन पे असर पड़ रहा है अब इस पूरा ये जो रिपोर्ट थी इसकी मेन हाइलाइट्स क्या थी देखो स्पीशीज इन न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट तो कैल्प फॉरेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है प्लस स्पीशीज इन न्यूज तो स्पीशीज इन न्यूज क्या है यहाँ पे मेजर कैल्प स्पीशीज जो सर्दर्न हेमिसफेयर में है एक्लोनिया रेडियाटा ये इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का स्पेशली जो एरियाज इक्वेटर के पास हैं रिडक्शन देखी जा रही है इस स्पीशीज में जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है अगर केल्फ फॉरेस्ट को नुकसान होगा तो आप समझ सकते हैं तो एक मेजर सेटबैक है क्योंकि केल्फ फॉरेस्ट बहुत बड़े कार्बन सिंक्स भी हैं ठीक है थीके? और इकोसिस्टम जो चलता है देखो कोई भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब कैसे होता है एक वहाँ पे बहुत सारी फूड चेन्स हैं फूड वेब्स हैं एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है और स्पेशली जो ऑटोट्रॉफ्स हैं अपना खाना खुद बनाते हैं उन पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं और वो ख़त्म होने लग जाए तो एक रिपल इफेक्ट होता है हर ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग स्पीशीज़ को नुकसान होगा अगर हम इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए यहाँ पे इस स्टडी में क्या कहा गया है दो तरह की कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज होती हैं जैसे आपने इसमें पढ़ा होगा स्टार्टक में पढ़ा होगा एक होती है इन इन इनसीतू किसको कहा जाता है जो चीज़ जहाँ पे है उसको वहीं पे प्रोटेक्ट किया जाए फिर एक्सितू कि हम उसको वहां से बाहर ले जाके कहीं और जाके प्रोटेक्शन दें तो यहाँ पे बात की गई है कि अगर इसको इन सीतु प्रोटेक्ट करने का हम सोचें जो कि ज़्यादा की प्रैक्टिकल नहीं है गेल्फ फॉरेस्ट क्या है अंडर वाटर शैलो वाटर में आपकी बहुत एलगी होती है जो सी फ्लोर से अटैच होती है उसको हम ब्राउन एलगी बेसिकली उसको क्या फॉरेस्ट बोलते हैं बहुत से एनिमल्स को शेल्टर देती है राइट right, और सी फ्लोर से खुद को अटैच रखते तो वो प्रैक्टिकल नहीं है दूसरा कि उसकी जेनेटिक डायवर्सिटी बनी रहेगी ऐसा ना हो कि ये स्पीशीज ही खत्म हो जाए तो हम क्या करें इसको एक्स टू स्टोरेज दें। इसको कहीं और जाके जेनेटिक डायवर्सिटी बनाए रखने के लिए इसको रिस्टोर करें हाइब्रिडाइजेशन करवाएं अडेप्टशन प्लान फ्यूचर के लिए सोचें कि कल को अगर ये स्पीशीज खत्म हो तो हम इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस कर पाएं राइट री इंट्रोडक्शन आप समझ गए ना कि है नहीं, आपके पास में पड़ा है, आप उसको री इंट्रोड्यूस करें तो ये स्टडी के थोड़ी डिटेल में देखेंगे अंडर वाटर इको सिस्टम है दैट तो मीनस ये आपके एक्वाटिक इको सिस्टम्स में आते हैं ये टॉपिक आपका कहाँ कवर होता है सिलेबस में सिलेबस में आप मेजर बायोम्स के बारे में पढ़ते हो एक्वाटिक बायोम्स टेरेस्ट्रियल बायोम्स सो so, ये अंडर वाटर इकोसिस्टम में आता है शैलो वाटर में केल्प फॉरेस्ट आपके ग्रो करते हैं बहुत ही घने जंगल आप समझ लीजिए ये शैलो वाटर में कोस्टल एरियाज में आपको मिलेंगे सो so, केल्प क्या है ब्राउन एल की लार्ज ब्राउन एल की सी सरफेस पे भी है और सी फ्लोर से भी खुद को अटैच करके रखती है बट शैलो वाटर डीप वाटर्स में आपको नहीं मिलेगी और फूड uh, दूसरों को शेल्टर दे रही है फूड दे रही है एनर्जी दे रही है सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इनको रहने के लिए एक तो कोस्टल एरियाज और क्लीन वाटर चाहिए रहता है अब अगेन जैसे मैंने बताया इन फॉरेस्ट पे बाकी स्पीशीज बहुत सारे डिपेंड करते हैं तो इसलिए कैल्प फॉरेस्ट का इकोलॉजिकल रोल भी है इकोनॉमिक वैल्यू भी है क्योंकि छोड़ बाकी की फिशेज इनवर्टिब्रेड इन पे डिपेंड करते हैं सो समथिंग लाइक दिस कि ये सी है है ना ये फ्लोर है ये फ्लोर है नीचे बिल्कुल ये ऊपर कोस्टल एरियाज हैं अगर तो इस तरह से केल्फ फॉरेस्ट आपको ऊपर ऊपर भी मिलेंगे नीचे नीचे भी खुद को अटैच करके रखेंगे बाकी के स्पीशीज भी इन पे डिपेंड करते हैं समथिंग लाइक दिस ये वर्ल्ड के मेजर कैल्फ फॉरेस्ट हैं जो अभी रिस्क में है ग्रीन कलर से आपको कैल्फ फॉरेस्ट दिखेंगे रेड कलर से आपको वो कैल्प फॉरेस्ट दिखेंगे जिनको थ्रेट है ओके okay, सो so आप देख सकते हैं ये नॉर्थ कैलिफोर्निया नॉर्थ सी न्यूजीलैंड साउथ ऑस्ट्रेलिया गर्ल्स अगोलाज बैंक ठीक है अब इम्पोर्टेंस क्या है इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुकी हूँ फूड और शेल्टर दो चीजें ये प्रोवाइड करते हैं कि बहुत से एनिमल्स को चाहे वो सील्स हो गए सी लाइन्स वेल्स सी ऑटर्स, गर्ल्स टर्न स्नोई एग्रेट्स, राइट सो कैल्प फॉरेस्ट प्रोवाइड अंडर वाटर हैबिटाट्स अंडर वाटर हैबिटाट्स भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे स्पीशीज के लिए सो so, अगर कैल्प फॉरेस्ट कम होते जाएं, टेक्लाइन होते जाएं, तो ये बाकी की जो बायोडाइवर्सिटी इस पर डिपेंड करती है इस पर हमको इसका रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा वो सब पे भी उनकी पॉपुलेशन भी कम होने लग जाएगी अब लो एटीट्यूड्स पे आपको बहुत डाइवर्सिटी मिलती है ये जो कैल्प है ये एक बाइंडिंग एजेंट प्रोडक्ट्स भी देते हैं कमर्शियल इकोनॉमिक वैल्यू भी आइसक्रीम में यूज होता है सीरियल्स में रैंच ड्रेसिंग योगर्ट में यूज होता है तो कैल्प का बहुत इंपॉर्टेंस है तो आप कह सकते हैं सबसे पहले एक तो न्यूट्रिएंट रिच सॉल्ट वाटर में ये ग्रो करती हैं सी वीड हैं इसको सी फूड की तरह भी यूज़ किया जा सकता है एक कंपाउंड सोडियम एल्जीनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रॉब्लम्स के फैक्ट के लिए सोडियम एल्जीनेट ये कंपाउंड प्रोड्यूस करती है जिसको बहुत जगह यूज़ किया जाता है हाई इन आयोडीन पोटासियम मैग्नीशियम आयरन और बॉडी को हेल्दी रहने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है जो कि आपको कैल्प देते हैं सो सो यस सी सी वीड है है फूड की बात यहां पे हो रही है। और दे आर लो इन फैट तो हेल्दी भी है तो कैल्प को किस तरह की थ्रेट है एक तो जो सेडिमेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं कोस्टल वाटर वेज में क्योंकि कोस्टल एरियाज के आसपास आपका कैल्प ज्यादा है उससे इनको नुकसान है सनलाइट इन तक नहीं पहुंच पाती तो फोटो कैसे करेंगे फिर ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सैलिनिटी चेंज हो रही है ग्लेशियर रनऑफ आ रहा है उससे कैल्प्स को बहुत नुकसान हो रहा है फिर उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स माइंडलेसली फिशिंग करते हैं कि हमको कैल्प्स को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते बाकी के फिशिंग फिशेस को पकड़ना चाहते हैं तो डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड से भी नुकसान पहुंचता है कोस्टल पोल्यूशन से नुकसान पहुंचता है जैसे सी अर्चन्स भी नुकसान पहुंचाते हैं अब सी अर्चेंस को कौन खाता है सी ऑटर्स ठीक है ये कैल्प्स पे भी डिपेंड करते हैं सी अर्चंस को भी ख़त्म करते हैं लेकिन अब डिस्ट्रक्टिव फिशिंग में सी ऑटर्स को नुकसान होता है सी ऑटर्स का पॉपुलेशन कम होता जाएगा तो सी अर्चिन्स इंक्रीज होते जाएंगे क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं है क्योंकि सी ऑटर्स उन पर बहुत ज़्यादा फीड करते हैं अब सी अर्चिन्स क्या करते हैं ये बहुत स्पाइनी है कांटेदार इनकी पूरी बॉडी रहती है गोल बॉल जैसी कांटेदार तो ये कैल्प्स को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं ठीक है तो अगर ये एक झुंड में आ रहे हैं तो नाइन मीटर हर मंथ ये कैल्प को बर्बाद कर रहे हैं तो साइंटिस्ट अनकवर वाई अर्चिन आर मूविंग डाउन कैलिफोर्निया कैल्प फॉरेस्ट ये मरीन मैमल्स हैं स्पाइनी स्किन इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं इस तरीके से ये दिखते हैं ठीक है ये इनके हार्ड टूथ एंडर पांच इस तरह के होते हैं पर्पल रेड कलर में आपको मिलेंगे वेरी पॉइजनस ऑल्सो तो ये प्लांट मटीरियल भी खाते हैं ये भी दिक्कत है तो जब इनके प्रिडेटर्स कम हो जाएंगे अगर किसी वजह से इनको खा इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो भी कैल्प्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे तो मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं बाकी अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं बीस परसेंट डिस्काउंट चल रहा है फिलहाल सेवनटींथ मार्च तक आप अवेल कर सकते हैं वीरो यूपीएससी कोड यूज करके रेस्ट uh, ये बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्सपीडिशन में इवन आई एम टीचिंग तो ये भी क्लास मेरी भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है बाकी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका फ्री ट्रायल जो था सेवन डे फ्री ट्रायल बहुत से स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया सो तो आप लोगों के लिए ई मेल में एक स्पेशल गिफ्ट भी है अपने ई मेल्स ज़रूर चेक कीजिएगा और उस पर आपको अगर आप कोर्स लेते हैं छः महीने का एक्सटेंशन भी मिलेगा सो तो हैप्पी लर्निंग बाक़ी आप, आप आ, 2023 की तैयारी हमारी Pathfinder टीम के साथ कर सकते हैं डू गिव मॉक टेस्ट ऑल्सो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो थर्ड से वो बैचेस भी शुरू हो रहे हैं जीरो परसेंट ई पे भी आप कोर्सेज ले सकते हैं आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा और आप धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं थैंक यू सो मच